जीवन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रेखा। आइए एक नजर डालते हैं आज की रिपोर्ट पर। किस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से सुदृढ़ तरीके से और रैशनल तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एफसीएक्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खासकर जय गोपाल गोयल जी का, जिन्होंने हमारे आग्रह पर हमारे स्वीकार किया। और अब मैं चाहूंगा कि एमसीएक्स की ओर से क्या देखिएगा, इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में जो बुनियादी फर्क होता है वो ये होता है कि कमोडिटी को आप छू सकते हो, आप शेयर को छू सकते हैं नहीं छू सकते। आप जिसको छूते हैं वो शेयर नहीं होता, शेयर सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट के ऊपर हम लोग लड़ाई लिख देते तो भाप 1200-1300 को हो जाता है, इन्फोसिस लिख देते भाप 800 को हो जाता है। Now start chanting money 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 everyone, money 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 everyone, everyone please louder, more louder. If you want to attack the money, say money 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 money. No, come on fast. Stop. Put your hands on your face. स्टॉक मार्केट में आते हैं, कमोडिटी मार्केट में आते हैं, व्हाट वी डू इज वी कम विद अ विजन दैट वी आर गोइंग टू गोल्फ क्लब। हमारा वहां पे जाकर स्टॉक ब्रोकर के पास जाना और उसके पास बैठना, एक कप चाय एंजॉय करना, कुछ मैगजीन्स पढ़ना और दो चार स्टॉक्स हम लोग वी पुट ऑन बाय बाइंग और सेलिंग। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं होता। मान लो अगर हम सीरियस इन्वेस्टर हैं तो क्या वी विल बी डिसिप्लिन सेम द वे इफ द मार्केट इज इन द मैनिपुलेशन, विच कमोडिटी नीड्स व्हाट टाइप ऑफ मैनिपुलेटर एंड व्हाट वुड बी द परसेंटेज। द डेटा शोज कितने मैनिपुलेटर्स होने चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए और कब हमें एंट्री करनी है और कब हमें रुक जाना है। रुकना इज एन आर्ट, लाइक एवरीवन इज नोइंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल। आप सब बाइसिकल चलाना जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन जिसने बाइसिकल कभी नहीं चलाई है उसके लिए आज भी वो प्रॉब्लम है। आप सब गाड़ी चलाना जानते हैं लेकिन जिसने गाड़ी नहीं चलाई है उसके लिए आज भी वो प्रॉब्लम है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में हम सिर्फ ये नहीं समझे कि हमने गोल्ड समझ लिया या हम लॉट साइज समझ चुके कि भाई एक लॉट क्या होता है, वो 10 ग्राम है ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड 1 यूनिट हैज हाउ मेनी लॉट, 100 लॉट। कितने लॉट पे ट्रेड होता है हमारा, 100 होता है। तो हम जो प्राइस देखते हैं वो 1 लॉट का थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा। एक बार एक लड़की की शादी हो गई और क्योंकि पहले अरेंज मैरिजेस का टाइम था, ऐसे लड़के से हो गई जो एक महीने तक बहुत अच्छा, सारे होते हैं लॉयल होते हैं, टाइम पर आते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, बल्कि ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो जाता है। एक महीने बाद मीटिंग लंबी हो जाती है और पंक्चर हमारे आउटस्टेशन टूर चालू हो जाते, तो ये हो गया और थोड़े टाइम बाद टूर क्या चालू करना था, सबको पता लग गया कि टूर वूर कुछ नहीं होते, घर में पता लग जाता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। तो ये पता लगा कि साहब बहुत ड्रिंक करते हैं सुबह से शाम तक। एक बार इनको इनविटेशन आता है कि आपको पड़ोस में एक जागरण है, वहां जाना है। थैंक यू टू कम हियर टू मेक दिस इवनिंग स्पेशल। एक गिफ्ट तो बनता, प्लीज। गुड इवनिंग to everyone, myself Charvi Arora, the daughter of Mr. Puneet Arora, the director of RS Wealth Management Private Limited. Our company is going to the rise of sun cause of the blessings of Babaji and the love you have given us. Thank you to come here to make this evening precious. Myself Mohammed Jamshed, I am from Jamia Hamdard, I am assistant professor over there. Actually this workshop is regarding the investor awareness about commodity and derivative market, how they should invest, what are the rationality they should consider before investing, what are the precautionary measures they should adopt and how the risk margin and lot size will behave and when at what time they should invest and what time they should come out from the market.
It's a very, very beautiful thing, and MCX has done a tremendous job associating with RS Wealth, and RS Wealth is catering very well in this segment, entire commodity and derivative market. It is the upcoming broker in the commodity segment. If this type of activity will be continue in different different portion location of the Delhi, then the result will be much more great. मतलब मैं सर यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ. मैंने कभी आज तक शेयर्स में पहले नुकसान ही खाया, मगर अब पुनीत जी के साथ लगे हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे. आर एस वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनी है पुनीत जी की है, और हम पुनीत जी को पिछले 10 सालों से जानते हैं और उम्मीद है कि अब इनके साथ जुड़ जाएंगे. गुड इवनिंग, आई एम पुनीत अरोड़ा, डायरेक्टर आर एस वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड. वी हैड अ इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम टुडे एट NSP न्यू दिल्ली, एंड इट वॉज अ ग्रेट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय MCX, एंड we were the broker in association with MCX today organized the program, and the speaker was Mr. Jay Gopal ji from MCX, Mr. RK Arora market expert, Mr. Neera Vakharia market expert, and Dr. Mohammad Jamshed from Jamia Hamdard University. They presented the things in a good way in front of the audience, and it was a great program. Thanks. मेरे साथ आज इस रिपोर्ट में इतना ही. देखते रहिए न्यूज़ 81 नेटवर्क.